आप फ्लिपकार्ट से अपने फ्लाइट को बहुत आसानी पूर्वक बुक कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली उसमें फ्लिपकार्ट लिख आपको उसमें सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका जो है फ्लिपकार्ट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है वो ओपन हो गया है पेज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रेबल पर आना है। यहाँ पर आपको ट्रेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्लाइट ट्रेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर फ्लाइट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका पेज है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब अगर आप जहाँ से ट्रेवल करना चाहते हैं वहाँ से आपको यहाँ से अपना पैलेस को चूज कर लेना है। मैं दिल्ली से करना चाहता हूँ तो मैं दिल्ली से यहाँ से चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद अगर आप मुंबई के लिए करना चाहते हैं, अगर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का आप अपने पैलेस को चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ से अपने आकर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है कि आप किस डेट को जाना चाहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से डेट खाली है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एडल्ट पर आना है। एडल्ट पर आने के बाद अगर आपके पास चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, तो आप भी यहाँ से बच्चे को ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो रहने दीजिए। इसके बाद अगर कितने व्यक्ति हैं आप लोग, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वन वे पर कर सकते हैं या आप राउंड आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वन वे पर रहने दीजिए, अगर आप राउंड ट्रिप यानी कि जहाज़ को रुकते हुए आना चाहते हैं, रुकते हुए या अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आना चाहते हैं डायरेक्ट मुंबई के लिए, तो आपको वन वे पर क्लिक करना है। अगर राउंड ट्रिप करना पर रहने करना चाहते हैं तो राउंड ट्रिप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो आपका प्राइस दिखा रहा है 2456, आप यहां से देख सकते हैं प्राइस। इसके बाद आपको क्या करना है, बुक पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप बुक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। तो चलो इसमें मोबाइल नंबर को क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। इस मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिंग हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड को फिल करना है। तो चलो इसमें पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या दे रहा है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इसमें फिल करना है। चलो तो इसमें फिल कर लेते हैं। इसमें ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो चलो इसमें पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। इसमें सिंपली इसमें पासवर्ड को क्या करते हैं, हम सेट कर लेते हैं। पासवर्ड को सेट करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है यहाँ से अब लॉगिन हो चुका है, लॉगिन हो जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से दे रहा है कंटिन्यू, फ़ोन नंबर मांग रहा है। आपको फ़ोन नंबर को इसमें फिल करना है। जैसे आप इसमें फ़ोन नंबर को फिल करेंगे इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं आपका सामने पेज ओपन हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आना है नीचे। इसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ से ट्रिप करना यहाँ से दे देना चाहते हैं अमाउंट तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर नहीं यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो होगा वो इस पर क्लिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहां से टोटल अमाउंट दे सकते हैं 2491 है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें फ़ोन नंबर को फिल करना है। तो चलो इसमें फ़ोन नंबर को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें अपने जो फ़ोन नंबर है उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें टाइटल के ऑप्शन पर आना है। अगर आप इसको मिस कर सकते हैं, अगर एमआर कर दीजिए इस पर। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इस पर लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको इस पर
लास्ट नेम डालना है। जैसे आप लास्ट नेम डालेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसके बाद नेशनलिटी चूज कर लीजिए, यहाँ से चूज कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से नेशनलिटी पर आना है, इसके बाद इसको चूज कर लेना है। यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं बहुत आसानी पूर्वक। इसमें आप सिंपली इसको आप चूज कर लीजिए, यहाँ से आप इसको चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस हो रहा है आगे का। जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा, इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन का ओपन हो गया है। पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये बुक हो चुका है, अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ बहुत सा ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट का, तो आप यूपीआई द्वारा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप अपना पैसे को पे करेंगे तो जो आपका टिकट होगा वो कन्फर्म बुकिंग हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन टेक्निकल एसए को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट आपको जल्द मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में जय हिंद।